सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारी आज की वीडियो में। आज हम एडवांस में गेम प्ले तो करेंगे और मैं तुम लोगों को सिखाने वाला हूँ कुछ। आप लोग क्या लीची रन को पाना चाहते हैं? आप लोग भी चाहते हैं कि आपके पास भी ऐसे रन हो? ये मेरे रन है, देख लो। कहता था ना लीचिंग सूरज सब है, देखा। मैं बहुत ज्यादा सोच नहीं कर रहा, लेकिन देखो यार मेरे पास तो ऐसे रन आप भी प्राप्त करना चाहते हो खैर इनसे ज्यादा। और मेरी चीज को तो एक बार देखो 805। अभी मैं बताऊंगा टिप्स। ये है प्रोटेक्ट रन और कुछ दूसरे हीलिंग रन। मैं इन्हीं का यूज करता हूँ क्योंकि कारण है कुछ, इनसे मैं हील भी दे देता हूँ, इससे मेरी प्रोटेक्शन। यहाँ पे पूरा सूरज 2 है मेरे पास। अब सूरज का जरूरत ये है कि मैं मार के हील। और ये देखो, ये देख रहे हो रन, पूरे मेरे रन को देखो कितने सारे। ऐसे रन कोई पाना कोई आसान काम नहीं है। और ये शूरा थ्री, ये सब देखो, ये सब को मैं रखता हूँ क्योंकि मारने के बाद मुझे फुल्ली हील कर देते। लीचिंग देने नहीं पता तो बता दूँ, लीचिंग किसी को अगर आप हिट करते हो तो आपको हील करता है, शूरा मार देते हो तो आपको फुल हील करता है 20 हेल्थ। और यहाँ पे मेरा आयरन इंगोट भी कैसे आयरन वाले गोल्ड डाउन के लिए सब वही रन वंस है। तो ये सारे रन मेरे को हेल्प करते हैं जीतने में, ठीक है। तो लेकिन एक सवाल होगा तुम लोग के अंदर कि और हम भी कैसे, ये देख रहे हो की 10, यहाँ पे 20 की, यहाँ पे 10 की, यहाँ से तुम ग्राइंडिंग चेस्ट भी कर सकते हो की भी। अरे हटना यार, तंग कर रहा है। तो यहाँ से तुम ग्राइंडिंग कर सकते हो। और यहाँ पे मैं पहले बता देता हूँ, इनसे तुम ग्राइंडिंग कर सकते हो कुछ ऐसे चीज़ों पर। तुम लीचिंग आने के लिए क्या करना होगा ट्रिक्स इसी वीडियो में बताऊंगा मैं। यहाँ से भी तुम प्राप्त कर सकते हो कीज 10। रोज ये एड्स देखो तुम्हें मिलेंगे और डेली रिवॉर्ड्स। इन रोज ऐसी एड्स देखो तुम लोग, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। और सोलो खेला करो क्योंकि वो थोड़ा सा इजी भी होता है 4v4 से, तो वो सबसे इजी कहलाता है क्योंकि बताओ उसमें 7 बंदे होते हैं। हाँ उसमें थोड़ा हार्ड होता है बैटल रॉयल ट्राइब की तुम्हें। हाँ पहला बात कभी भी इसका बता दूँ वो की जिस तक खोल के और किस में हॉर्न में मिल जाएगा। हॉर्न से एक्सचेंज करके लेकर हॉर्न समय सिर्फ राइट पास आता है तभी कलेक्ट कर पाते। तुम लोग नहीं करना करो। और मैं एक और चीज़ जिसमें प्लेयर्स अलाइट पास बाय करते तुम लोग उसे फ्री में भी बाय कर सकते हो। वेल मैं कह रहा हूँ हाँ हॉर्न में जाना शॉप में जाना वहीं से तुम फ्री कर सकते हो, नहीं तो और कोई वे नहीं रहता है मेरे को पता है। एंड वो फ्री माने ऐसा नहीं, उसके लिए भी तुम्हें मेहनत करना पड़ता है। लेकिन मैं करूँ रियल मनी नहीं मांगता क्योंकि ये बिजी वाले तो हैं ही जो पेट में लाते रहेंगे। लेकिन मैंने इस आंटी तुम्हें बता दिए तुम्हें, लेकिन सोड इफेक्ट तो वहाँ पे तुम्हें फूट प्रिंट तो नहीं मिले। ये पॉट्स जरूर मिले, ये पॉट देख रहे हो, ये मैंने पॉट्स कैसे लिए, हॉर्न से ही नहीं खोलना ठीक है, कहीं और वेस्ट मत करना ताकि तुम्हें भी MVP आइटम्स मिलेंगे ठीक है, चाहते हो तो यही करना होगा। एंड अब चलते हैं, यहाँ पे मैं पहले डायमंड सोड लूँगा, पहले वो दोस्ती कर ले तो ठीक है, पहले डायमंड सोड लो क्योंकि वो लीचिंग रेट को इम्प्रूव करता है। चलिए तो बहुत मज़ेदार चीज़ है यार, लीचिंग 2 अब मेरे पास हो जाएगा तो फिर मैं लीचिंग 2 से डायमंड सोड मेरे पास लीचिंग 2। अब आ जाओ जो भी आएगा ना, अब मैं उसकी हड्डियाँ तोड़ दूँगा। और अजीब बात ये कि अभी तक किसी का भी बेड नहीं टूटा, मैंने बोला बेड नहीं टूटा, टूट गया बेड। वाओ चल छोड़ो ये सारी बातें, आज का मैच अपन जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। पहले मैं क्या लूँ पहले। और हाँ ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं, तो हमें जो है लीजिंग रन को और भी कब किस टाइम पे चेस्ट ओपन करना, तो इंडियन टाइम के हिसाब से रात में करना चाहिए और कितनी चीज के पे करना चाहिए तो है 5000, 3000 और 5000। आई रिकमेंड यू 5000। अब तुम उन गधों की तरह मत बनो तो कि 400-500 पीस पे ही चेस्ट ओपन कर दो, 40 चेस्ट खोलो और वहाँ पे तुम्हें गार्बेज मिले और फिर तुम जाके एंड में वीडियो तो एंड में जो है तुम जाके गुस्सा घूमो। ये सब ना गधे लोग करते हैं, मैं कहता हूँ ये मत करो। 400-500 रुपये अगर तुम कर रहे हो एक ओपनिंग तुम्हें गार्बेज ही मिलेगा। यार इतनी सिंपल सी बात यार, 1000 की तो अगर तुम्हें थोड़े भी अच्छे रंग से तो 1000 पीस तो तुम्हें चाहिए। आई रिकमेंड यू 5000। और हेलो ब्राई, 3 फिंगर क्लो मैंने सीखी है, कैसा था मेरा हिट्स बताया। एंड देखो तुम्हें ये चीज़ भी, एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि तुम्हारे को अपने
में रन्स रिमूव वो सब करने हैं, एंड मैं मेरे जब 5000 कीज हो जाएंगे तब मैं करूँगा चेस कॉलिंग, ठीक है? ठीक, लेकिन अभी मैं करूँगा नहीं, क्योंकि अभी मैं 800 है कीज, फिर भी अभी भी मेरे को कुछ नहीं मिलेगा। मैं 5000 कीज पे चेस ओपनिंग की वीडियो लाऊंगा और फिर देखेंगे हमें क्या मिलता है। आई थिंक लीचिंग थ्री, लेकिन वो सब छोड़ो और इस भगोड़े को देखो, ये दोनों पता नहीं क्या कर रहे हैं, बिल्ड बैटल खेल रहे। आई डोंट लाइक बिल्ड बैटल, फटाफट से येलो वाले का बेड मैं तोड़ देता हूँ, जरूरी है क्योंकि जरूरी है। एंड पहले ही बता दो तुमने जैसे पहले इतना भी तेजी से नहीं तोड़ना बेड, कि सबसे मजा है ये बड़ी तेज बन रहा, जरा इसी का बेड तोड़ दो और तुम्हें कोई खत्म ना कर दे टीएनटी से। अच्छा मिलता है, ठीक है, तो थोड़ा सा धीरे धीरे क्लिक करना है, तेज 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 गड़गड़ा नहीं दे रहा, क्योंकि मैं करता हूँ तो फिर सारे बंदे मेरे अगेंस्ट टीम अप करके मुझे मार देते हैं, एक ऐसा हुआ, इसलिए मैं एकदम से कभी नहीं करता, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे मैं चलते हैं चलते, एंड मेरे को थोड़े और एमरल्ड जमीन पे लूं, चलो और थोड़े एमरल्ड कलेक्ट। और ये क्या है, अबे कौन है, ओ डैमेज कितना डैमेज, क्या था पूरा इनविजिबल, ये क्या है, ए ये तो रैपल टू फ्लेम वाला सूट है, ये तो की का हो सबसे ऊपर, ये तो की अब्यूज वाली सूट है, ओ माय गॉड, ये तो बस यानी कि वो एक की अब्यूजर था, मैंने की अब्यूजर मारा इनविजिबल और की अब्यूजर बंदा मार दिया, रेस्पेक्ट। देखो अरे कौन सी बहुत हार्ड लाइक कर दो, और किसी का बंदू को मारना ऐसे ही हार्ड होता है विदाउट फ्लेम, प्लस उसका और प्लस उसका तो पता भी डायमंड आर्मर या गोल्ड आर्मर तो पक्का होगा, क्योंकि देखा तुमने टाइम लगा डायमंड से उसको तुरंत नहीं खत्म, एक झटके में नहीं खत्म होगा। एंड ब्रो अरे तू तो सही में मार रहा है मुझे तीर, मुझे लगा था तेरे से मैं पूछूंगा फाइट को, ये तो सही में मुझे मारेगा। चल ब्रो ऐसे मैं ग्राइंडिंग कर रहा, तो चल तूने जब हाथ उठाया है चल तो मैं भी हाथ उठा सकता हूँ, ये रहा तेरा बेड, ये ले और अब क्या करेंगे, मार सकता है तो मार ले, ये ले क्या मौत मारा मैंने, आज तो मैं टीएनटी से मार रहा हूँ, बो एंड एरो का ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये सोलो है, 4v4 नहीं है, इसमें बो एंड एरो राज करता है, यहाँ पे टीएनटी राज कर रहा है, लेकिन कोशिश पी लेते ऐसे भी इन पोशर्स का अचार थोड़ी ना डालूंगा, पियो वेल मेरे को लगता है ना कि सामने हमारे सामने तो है वैनी की परिंद। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं किसके पास, जाए किस ब्लू वाले बंदे को खत्म करके आते हैं, तो चल तो तब तक के लिए थोड़ा सा स्किप कर। तो अब थोड़े बहुत फार्म के लिए हो जा रहे थे, वो जरूरी है, ये है ब्रदर मैंने मार दिया, और क्या मैंने उसे मूड एकदम फ्लैश की तरह बन के, आ जा भाई भाई आ जा डिस्गस्टिंग बम से इसको मारेंगे, डायमंड वाले बम, ये ले फार्म किलिंग का ऑटोमेटिक फार्म किलिंग बनाता एकदम मस्त तरीके से मार रहा हूँ उसे, ये निकालो डिस्गस्टिंग बम यहाँ पे रख दो, अभी इसको ऑन होगा मरेगा, डिस्गस्टेड बम आई मीन डिस्गस्टिंग बम इसको लगाते हैं, मैं इसे डिस्गस्टिंग बम पता है क्यों बोलता हूँ, इसका नाम तो है डिस्गस्टेड बम, लेकिन मैं इसे डिस्गस्टिंग बम बोलता हूँ क्योंकि बहुत गंदा लगता है, इसलिए मैं डिस्गस्टिंग बोलता हूँ। कैसा लग रहा है ब्रो डिस्गस्टिंग बम खा के, फेक डायमंड खा, हाँ डिस्गस्टिंग, ये डिस्गस्टेड बम वो कहते हैं इसे, ये डिस्गस्टिंग बम होता है, एंड ये ले असली वाला बम, असला बारूद वाला बम, टीएनटी खा लिया ये मंदा फेक डायमंड से ही मरेगा, मर बड़ा खतरनाक बंदा है, चल तेरा बेड तोड़ के, और मैं फार्म क्लीन नहीं करूँगा इसके ऊपर,
लव एंड बाय 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 बाय। अरे मेरे को डैमेज मिल रहा है। चल मार ले, आखिरी इच्छा क्या है मुझे मारना, मार ले मार ले। मर जाता बकरा है। अब यहाँ पे डबल करके कीस को फार्म कर लेते हैं। हट यहाँ पे मेरा एडवर्ड देख लियो, 12 की मिल गई मेरे को, 6 मिलनी थी, 12 मिल गए, डुप्लीकेट कर लिया हमने। तो गाइस ये है पूरी ट्रिक, सोलो खेलो, कीस को डुप्लीकेट करो और फिर कीस को क्लेम करो, ये सब करो जो जो शुरू में मैंने बताया, फिर 5000 कीस का वेट करो, जब हो जाए तब चेस्ट ओपनिंग कैसे करना है ये मैं आगे बताने वाला हूँ। तो तब तक के लिए गुड बाय। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक और चीज़ बता देता हूँ, एक सेकंड रुको। लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, और भी वीडियो नहीं है, नहीं थोड़ी सी और बोलना है मेरे को, ठीक है। ये तो चेस्ट ओपनिंग करनी है ना, तो 5-6 हज़ार कीज तुमने क्लियर हो गए हैं, ठीक है। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल 5000 कीज। अब बता दो, पहले तो तुम्हें जाना है सारे रन रिमूव कर देने, और दोबारा रिमूव करने का दोबारा इक्विप नहीं करना है, ठीक है। दोबारा इक्विप करने से चांस घट सकता है। देखो मेरे दोस्त कैसे मिला था लीशिन, ठीक है। अब मैं उसके तुम्हें चेस्ट ओपनिंग करना है, और डायमंड चेस्ट के वो होता है क्वेश्चन, उस पर दबाना है, ठीक है। उसके लीचिंग पे स्पैम करना है 20-25 बार, ठीक है। और फिर ना तुम्हें खोलना है लग नॉर्मल वाले गोल्ड खोलना, डायमंड में गार्बेज का ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए अगर तुम्हें खोलते जाना तुम्हें मिल जाएगी। और फ्री वाले चेस्ट में खोलना है बाद में, पहले खरीदी से खरीद के फिर फ्री वाले, क्योंकि फ्री वाले में कीस होते, फ्री वाले होते हैं ना उनमें तुम्हें ज़्यादा चांसेस होते हैं, बट लेवल 3 के ही ज़्यादातर मिलेंगे उसे। वैसे अगर लीजिए मन की कार बेच जाए कुछ नॉर्मल चेस्ट खोले, फिर ये वाला खोल लेते हैं फ्री वाला, फिर कुछ नॉर्मल चेस्ट खोले ये वाला खोल लेते हैं, ऐसे कर करके तुम करोगे तो तुम्हें लीजिंग 3 मिल सकता है। लीजिंग 3 तो नहीं मिल जाएगा, लेकिन तू एटलीस्ट पूरा कंप्लीट मिल जाएगा, ठीक है। तू पूरा कंप्लीटली मैं तुम्हें दिला दूंगी इस ट्रक से, ठीक है। करने के बाद डायमंड चेस्ट खोलना नहीं, ठीक है। खोलना मैंने कम खोलना गोल्ड से, क्योंकि डायमंड चेस्ट में गार्बेज कचरा कबाड़ा का ज्यादा चांसेस होता है कंपेयरिंग टू गोल्ड से, ठीक है, ठीक है। और तुम्हें क्या करना है ना, चेस्ट खोलते 5000 की प्लस होनी चाहिए, ठीक है। 5000-3000 होनी चाहिए, ठीक है। और तुम्हें चीज से खोलते जाना तुम्हें मिल जाएगी लीजिंग पक्का, ठीक है, पक्का 100%। बस सब्सक्राइब लाइक शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जिनके पास लीचिंग है, उनको जरूर शेयर करना, और न्यू प्लेयर्स को हेल्प